हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। एनकाउंटर रैंक पोस्टिंग की एक और न्यू वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब यहाँ पे इस वाले गेम के अंदर लगी थी कॉन्कर लॉबी, क्योंकि अभी मैं इसमें चल रहा हूँ और थोड़ी देर के अंदर मैं भी कॉन्कर जाने वाला हूँ, तो सारे कॉन्कर वाले ही बंदे थे। और इस वाले गेम को आप लोग ना लास्ट तक जरूर वॉच करना, क्योंकि लास्ट में भाई साहब छोटे से जोन के अंदर जब 20 से 30 बंदे अलाइव होते हैं और वहां पे जब फाइट होते हैं ना, वो सीन आप लोग देखोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। अब फिलहाल यहाँ पे क्या हुआ, मेरे साथ में ग्लिच हो गया तो मैं बाहर चला गया था। और भाई साहब इस नियत बंदे को यार गलत ही मारा मैंने। अब ये जो भाई साहब है बहुत कूद के आया था और इस बंदे को ना भाई साहब फाइट लेने का कुछ ज्यादा ही मस्का था। मैंने सोचा यार मैं तो चल बीच की तरफ कैम करूंगा, मैं इसे फाइट नहीं लूंगा, क्या पता मैं खत्म हो जाऊं। लेकिन ये भाई साहब बहुत ही ज्यादा कूद रहा था, इसलिए सबसे पहले तो इसको निपटाया, उसके बाद में अब जो इसने चाल चली थी वही मैंने चल ली। ये लेटा मैं भी लेट गया, ये खड़ा हुआ मैं भी खड़ा हो गया। वैसे मेरे एचपी कम थी लेकिन ग्रेनेड आने के बाद मेरे पास में कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं वहां से भागता हूं और फटाफट से उस पर रश कर देता हूं। और यहां पे फिलहाल कुल मिला के हो चुके थे मेरे 3 किल, लेकिन लॉबी में देखो अभी भी 80 बंदे अलाइव है और लास्ट में तो गलत ही सीन होते हैं। अब यहां पे तुम लोग एक चीज नोटिस करो, देखो राइट हैंड साइड में ना एक बंदा है, लेफ्ट में एक बंदा है, दोनों आपस में फाइट ले रहे हैं और बचे हैं 12 सेकंड। और अभी देखो हम मैं कैसे फाइट लेता हूं इनके बीच में। तुम लोगों ने M4 का बहुत ज्यादा रिकॉइल देखा होगा, लेकिन इतना रिकॉइल भाई साहब को भी नहीं देखा होगा। मतलब भाई साहब वो लोकेशन हिलने लग जाते हैं और उस हिलती हुई लोकेशन के अंदर मैं एक बंदे को खत्म कर देता हूं। मतलब कुल मिला के मेरे 4 किल हो जाते हैं और एक मेरे को बॉट का साथ किल मिल जाता है, मेरे 5 किल हो जाते हैं। अब कुल मिला के मैं आ चुका था वापस से गाड़ी लेके इस वाली लोकेशन पे ऊपर की तरफ। और तुम्हारे भाई को पता है कि जब हथौड़े वाला कैरेक्टर फिर दूसरा कैरेक्टर मिलता है तो बहुत मजा आता है। लेकिन अभी आज इस वाले गेम के अंदर मैं इस वाले कैरेक्टर से मचाने वाला, इस वाले कैरेक्टर से नहीं, मैंने जैसे ही कैरेक्टर स्विच किया भाई साहब मेरे को ये मिल गया। यहां पे हो गया मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा भाई साहब ऊपर वाली लोकेशन पे सरवाइव करना तो इंपॉसिबल है। लेकिन देखना भाई, क्योंकि अगर बंदे के हाथ में कोई कैरेक्टर लगे और बंदा अच्छा खेलता है ना तो वो कोई भी कैरेक्टर से सबको मात दे ही देता है। अब कैसे वो तुम लोग भी यहां पे देख ही लो। भाई ये मेरी 10 से 20 एचपी भी खत्म नहीं कर पाया और मैंने इसको पूरा पूरा खत्म कर दिया। लेकिन तभी अब इसको खत्म करने में ज्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं, लेकिन हुआ क्या ना, थर्ड पार्टी हो गया मैं, तीसरा बंदा भाई साहब आ गया और यहाँ पे देखो इस हथौड़े वाले ने मेरे को खत्म कर दिया। पीछे से बहुत अच्छी कम थी तो उसके बाद में क्या हुआ कि मैं भी बहुत ज्यादा हरामी हूँ, तुम लोगों को पता है। अगर मैं एक लोकेशन पर खत्म होता हूँ तो मैं वापस दूसरी लोकेशन पर जाता हूँ, क्योंकि जब तक तुम्हारा भाई कॉन्कर नहीं जाएगा ना तब तक तुम्हारा भाई कोई भी थर्ड पार्टी फाइट नहीं लेगा। मुझे कोई शौक नहीं है फाइट लेने का, लास्ट में फाइट लो आराम से, चिकन विकन निकालो, प्लस तो होगा माइनस तो नहीं होगा। और फिलहाल मैं आ गया था गाड़ी लेकर यहाँ पे उड़ते उड़ते और उसके बाद मैं चला जाता हूँ ऊपर लोकेशन पे। और यहां पे भाई साहब ऊपर वाली जो लोकेशन है ना इस पे मेरे साथ में गलत ही सीन होते हैं। क्या सीन होते हैं वो तुम देखना। ये जो कैरेक्टर है ना वो ठीक है, एक लिमिट तक ठीक है, ये किल कर सकता है, लेकिन इतना भी ज्यादा पावरफुल है नहीं। वो क्यों नहीं है वो तुम लोगों को अभी पता चल जाएगा आगे जाके। तो यहां पे कुल मिला के हुआ क्या था कि मैं ढूंढ रहा था बंदे के बंदे मिल जाए और मैं कॉइन ज्यादा इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि मेरे को कॉइन चाहिए थे ताकि मैं नीचे जाकर लूट ले सकूं, AWM वगैरह मेरे को मिल जाए। और फिलहाल मैं वो लूट कर रहा था तभी मेरे को एक बंदे यहां पे फुटस्टेप आने लगते हैं। मेरे भाई ऊपर आने का कोई फायदा नहीं हुआ यार, मैंने एक भी बंदे को खत्म नहीं कर पाया और यहाँ पे मेरी पेटी बन जाती है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि देखो आप लोगों को मैंने हर एक गेम प्ले के अंदर मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि देखो मैं शुरुआत के अंदर तो भी फाइट लेने वाला हूँ नहीं, रस तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे भाई अगर शुरुआत में रस किया तो माइनस का इतना तगड़ा चपेट लगेगा कि कॉन्कर जाने के सपने टूट जाएंगे। इसलिए मैं शुरुआत में तो मतलब बिल्कुल भी जो है रस वगैरह नहीं करता। तो यहाँ पे क्या होता है कि पास ही में जो है ये सर्कल होता था, यहाँ पे गाड़ियां तो मिली जाती है, मैं उठाता हूँ एक प्यारी सी यहाँ से बगी और लॉबी के अंदर 40 बंदे बचे ठीक है, और यहां आते आते 37 बंदे हो गए। तो ये सैक मेरे को जोन में लग रहा था तो मैंने क्या किया, इस सैक के अंदर आके मैं छुप जाता हूं। अब यहां पे मेरे पास में कुछ कॉइन थे जिसके जरिए मैं थोड़ी बहुत अपनी यूजफुल आइटम्स वगैरह मंगवाता हूं, हीलिंग वगैरह करता हूं। और यहां से देखना मेरे भाई गेम का जो रुख मैं कैसे पलटता हूं, और यहां पे देखो बैठे बैठे मैं किस तरीके से किल चुराता हूं। सामने सैक पे बंदा,
एक हेडशॉट और बंदा खत्म। भाई ये बहुत ही गलत तरीके से बंदा खत्म हुआ है। वो जो सामने सैक पे जो बंदा था ना, वो सामने घर है वहां पे बेचारा वो देख रहा था कि भाई साहब जो है मतलब वो पीक लेके देख रहा था कि उसको मैं खत्म कर दूं, लेकिन मेरे को काफी अच्छा खासा इधर से व्यू मिल रहा था और मैंने उसकी जो है खोपड़ी खोल दी। वैसे उसके पास में अगर लेवल 3 का हेलमेट होता तो वो नहीं खत्म होता। अब उसके बाद ऊपर की तरफ फाइट चल रही थी बहुत ही गंदे वाली और मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है, ठीक है। अब बेचारा जब तक खड़ा होकर भागने लगा तब तक तो मैंने उसकी पेटी चमका दी थी और फिलहाल यहाँ पे मेरे हो चुके थे 8 किल। लेकिन अभी भी तुम देखो लॉबी के अंदर 23 बंदे अभी भी अलाइव है और अब देखो ऊपर वाले जितने भी बंदे हैं ना वो सारे के सारे गाड़ियाँ लेके भाग रहे हैं। और मैं तुम लोगों को एक बार बता दूँ, अगर सोलो के अंदर भाई साहब रैंक पुश करना है ना तो गाड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ऊपर से एक बगी और एक यूएस निकल चुकी थी लेकिन तभी भी भाई साहब पीछे से मेरे पे फायर हो रहा था। अब जितनी गाड़ियां जा रही थी ना इस सैक पे कोई रुक नहीं रहा था क्योंकि सबको लग रहा था इस सैक में तो ऑलरेडी कोई बंदा होगा, लेकिन इसमें कोई नहीं था, मुझे पता था। और आ गया मैं इस वाले सैक पे। अब जो सामने वाला घर है ना वहां पे बंदा है भाई साहब, इसने मेरे को बहुत ज्यादा परेशान किया था क्योंकि इसका दरवाजा नहीं था। सबसे पहले तुम्हारे भाई ने दरवाजा लगाया ताकि अच्छा खासा व्यू मैं कहीं से भी ले सकूं। अब लेफ्ट में भी स्मोक हो रखा है, ऊपर भी स्मोक हो रहा है, गाड़ियां आ रही है जा रही है, बहुत ही गंदी वाली फाइट चल रही है मेरे भाई। अब यहाँ पे है ना सारे लोग जो है अपनी अपनी लोकेशन होल्ड कर रहे हैं, कोई बंदा खत्म हो रहा है, कोई बंदा किसी के आगे आगे खड़ा हो जा रहा है तो उसको खत्म कर दे रहा है, कोई बंदा अपनी अलग ही जो है शील्ड वगैरह बना के जो है कवर बना रहा है। बहुत ही गलत वाले सीन थे। और देखो लॉबी के अंदर अभी भी 18 बंदे बचे हैं, छोटा सा जोन है भाई, इतने छोटे से जोन में 18 और 17 बंदे अलाइव थे। तो सबसे पहले क्या किया कि मैंने इसको तोड़ा क्योंकि भाई साहब अगर किसी ने मेरे पे रश कर दिया और उसने ग्रेनेड डाल दिया तो मैं तो बाहर निकलने के लायक नहीं रहूंगा, इसलिए सबसे पहले मैं शील्ड को तोड़ता हूं। और ऊपर की तरफ फाइट चल रही थी, एक बंदा था, देखो इसको मैं कैसे निपटाता हूं, अभी आप देखते जाओ। अब लेफ्ट में स्मोक वगैरह हो रहे थे और ये जो पत्थर था ना इस पर एक बंदा आता था। सबसे पहले मैं इस पर ग्रेनेड करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा जो सैक था ना वो थोड़ा दूर था और यहाँ से ग्रेनेड परफेक्ट तरीके से मैं कर भी नहीं पा रहा था, इसलिए उस पर ग्रेनेड गया नहीं। और मेरे भाई 2 किल बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। ऊपर वाला जो बंदा था उसको मैंने सैक के अंदर से खत्म कर दिया, वो बेचारा इसी बंदे पे फायर कर रहा था और काफी एचपी इसकी कम कर दी थी। और उसके बाद में जो है ये बंदा जैसे ही आता है इसको बाहर निकल के मैं निपटा देता हूँ। वैसे इसने मेरी शील्ड तोड़ दी थी जिसको मैं वापस से यहाँ पे लगा देता हूँ। अब कुल मिला के यहाँ पे क्या हुआ था कि जोन के अंदर 8 बंदे बचे थे, इतना छोटा सा जोन था उसमें 8 बंदे बचे थे। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये थी ना कि भाई साहब मेरे को जोन के अंदर निकलना था, तो सबसे पहले मैं सामने वाले बंदे से मेरे को काफी ज्यादा रिस्क था क्योंकि ये बंदा मेरे को जो है मतलब आगे आ सकता था मेरे और मेरे को बाहर नहीं निकलने दे सकता था, इसलिए मैं क्या करता हूं सबसे पहले बाहर की तरफ यहां पे आता हूं। और यहां आने के बाद मैं कुछ स्मोक वगैरह करता हूं क्योंकि जो पीछे वाला घर है ना वो जोन के बाहर है, तो मुझे पता है कि पीछे तो कोई होगा नहीं, सारे बंदे आगे ही है। अब फिलहाल कुल मिला के यहाँ पे मैं सर्वाइव कर जाता हूँ। ऊपर वाला बंदा बहुत ज्यादा फायर करता है लेकिन तो भी मैं पे सर्वाइव कर जाता हूँ और यहाँ पे हीलिंग वगैरह लगा लेता हूँ। उसको मैं आ जाता हूँ इधर की तरफ, उनके पास वाला बंदा ग्रेनेड कर सकता है, उसको लोकेशन का पूरा पता था तो वो बहुत इजीली ग्रेनेड कर सकता है। अब मेरे भाई राइट से भी बहुत तगड़ा फायर हो रहा था इसलिए मैं पे होल्ड किया हुआ था भाई साहब, हर जगह बंदे थे और सारे लेटे हुए थे। लेकिन भाई साहब ये क्या था, मतलब उस बंदे ने भाई साहब एक बंदे को खत्म करके उसका सीधा का सीधा जो है मतलब स्प्रे मेरे पे कैसे आया उसने पता नहीं, मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगा उस बंदे के बारे में लेकिन ये थोड़ा इम्पॉसिबल नहीं लगता। मतलब उसने एक लेटे हुए बंदे को खत्म किया और खत्म करते पूरा स्प्रे मेरे पे आया था और मेरी सिर्फ 4-5 HP बची थी। अगर मेरी थोड़ी बहुत HP कम होती तो मैं तो यहीं पर निपट जाता, मतलब एक स्प्रे के अंदर इतना दूर दूर स्प्रे, इतना फास्ट स्प्रे ट्रांसफर मैंने किसी बंदे का नहीं देखा, जो कि इस बंदे का तुम लोगों ने नोटिस किया होगा। मैं इसको कुछ गलत नहीं बोलता हूँ, क्या पता प्रो भी होगा। उसके अंदर क्या होता है कि मैं यहीं पे जो है रहता हूं और 4 बंदे लॉबी के अंदर थे और जो ऊपर वाला बंदा है ना यही भाई साहब जो बंदा है वो लास्ट में बचता है। तो इसको जो है मैं स्मोक के अंदर काफी अच्छा खासा देता हूँ भाई साहब, अच्छी खासा उसको डैमेज पड़ जाता है। लेकिन डिसएडवांटेज ये थी मेरे भाई कि भाई साहब मेरे को भी जोन के अंदर निकलना था, सबसे पहले मैं स्मोक वगैरह करता हूं।
अब राइड में मेरे को पता था बंदा है, क्योंकि भाई साहब पहले तो पता नहीं चलता, लेकिन उसने जो है वो गाड़ी जैसी फोड़ी ना, मेरे को पता चल गया कि राइट में बंदा है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहीं पे खड़ा रहता हूँ और उसके बाद मैं पे सोचता हूँ कि भाई साहब राइट वाले बंदे पे करते हैं एक छोटा सा ग्रेनेड, क्या पता तुक्के से लग जाए। लेकिन मेरे जो ग्रेनेड होते हैं ना, उससे बहुत कम लोग खत्म होते हैं। मेरा ग्रेनेड तो सही नहीं गया, लेकिन उसका ग्रेनेड मेरे पे आने वाला है मेरे भाई। अब जैसे ही उस बंदे का ग्रेनेड मेरे पे आता है, फाइनली मैं उस पर सीधा खुले के अंदर रस कर देता हूँ, और मेरे पास में कोई भी ऑप्शन नहीं था, और वो जो बंदा है मेरे को स्पॉट हो जाता है और फाइनली उसको हम लोग निपटा देते हैं। अब कुल मिला के जो है लॉबी के अंदर एक बंदा और बचा है और मेरे 11 किल हो गए हैं। देखते ही देखते कितने ईजी हुए 11 किल पता भी नहीं चला, लेकिन भाई साहब जब मैं गेम खेल रहा था ना, तभी मेरे को पता है कि मेरे पे क्या बीत रही थी। अब सामने वाला जो बंदा है ये वही बंदा है जिसने स्प्रे ट्रांसफर करके इतना गंदा वाला मेरे को डैमेज दिया था। अब ये जो बंदा है ना, वो आगे जाके गेम कैसे क्या होता है, सब कुछ क्या सीन होता है वो आप देखना। अब मेरे को जोन के अंदर निकलना था तो सामने एक तरह मेरा कवर तो था, लेकिन भाई साहब मैं इस बंदे से बहुत ज्यादा डर रहा था। जो बंदा इतना दूर का जो है स्प्रे ट्रांसफर परफेक्ट दे सकता है, तो भाई साहब मुझे नहीं लगता कि वो बंदा जो है वो नूब है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे जो है स्मोक वगैरह करके मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, वो बंदा मेरे पर फायर नहीं करता और वो जो है मतलब मेरी गाड़ी फोड़ने के पूरे फिराक में था ताकि मैं खत्म हो जाऊँ गाड़ी के साथ ही। तो सबसे पहले मैं ये डिसीजन लेता हूं कि गाड़ी फोड़ देते हैं। तो अब मेरे को जो है कोई भी डर नहीं था कि भाई साहब यहां पे जो है मेरे को खत्म कर पाएगा, क्योंकि मैंने गाड़ी फोड़ दी थी। अब यहां पे उसके लिए एक और ज्यादा जो है डिसएडवांटेज जो है क्रिएट हो चुकी थी। अब वो मेरे पे बार बार जो है AWM से फायर कर रहा था। अब उसके बाद में जो है मैंने लोकेशन चेंज कर दी थी, क्योंकि भाई साहब जोन आ रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं आके शील्ड बना लेता हूँ। वैसे मेरे पास में बहुत सारी शील्ड थी, अभी तो सारी सारी शील्ड जो है खत्म हो चुकी थी। अब मेरे को यहाँ पे सीन ये था ना कि भाई साहब ये जो बंदा था ये बार बार जो है AWM जला रहा था और अब मेरे को जाना था जोन में। और मेरे भाई इसने मेरे को हेड ही मारा। अब मैंने इसकी आईडी वगैरह कुछ चेक नहीं की और ना ही मैंने उसको कुछ किया, मैंने कहा चल ठीक है बंदा अच्छा होगा, लेकिन भाई साहब पता नहीं। लेकिन जो भी कुल मिला के फाइनली यहाँ पे हमारा 40 प्लस हो जाता है और एक चिकन मिल जाता है बहुत ही अच्छा। तो आपको गेम प्ले वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।